हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 7SEM के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इंडस्ट्रियल फार्मेसी टू एंड फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, जो कि मोस्ट अहम क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिसोल्यूशन या डिफ्यूजन के अलग से नोट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग कंट्रोल रिलीज, या फिर डिस्क्राइब द वेरियस फिजिको केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर कंट्रोल डिलीवरी फॉर्मुलेशन, जो कि मोस्ट अहम क्वेश्चन है। फिजिको केमिकल की प्रॉपर्टीज या उसके रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से और कैसे सिलेक्शन होता है, कौन से कंसिडर करने में आते हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार देख के जाइए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट कंट्रोल रिलीज डिलीवरी सिस्टम्स एंड डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम ईच अदर। मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम्स है उनको नेम लिखने और वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्सेस और एक्सप्लेन एक्रिलिक पॉलीमर्स इन डिटेल। मतलब कि आपको क्या पॉलीमर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्लासिफिकेशन आना ही आना है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके जाए, क्लासिफिकेशन होता ही है, ठीक है, पॉलीमर्स का। उसके बाद कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई भी पॉलीमर आपको डिटेल में लिखने का रहता है। उसके बाद डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कंट्रोल सस्टेन डिले टाइम एंड प्रोलॉन्ग रिलीजेस, ये टाइप की जो रिलीज सिस्टम से वो आपको डिफाइन करने, ठीक है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार अच्छे से देख के जाइए। एट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स डिले रिलीज एक्सटेंडेड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज, ये तीनों आपको एक्सप्लेन करनी है टर्म। और उसके बाद डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद नाइन क्वेश्चन है, क्लासीफाई कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्क्राइब मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है उसको क्लासीफाई करना है। उसके बाद मेट्रिक सिस्टम, डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम पूछ सकते हैं। उसके बाद टेन है, एक्सप्लेन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स, डिस्क्राइब स्मार्ट पॉलीमर विथ एग्जाम्पल। पॉलीमर्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसका क्लासीफिकेशन खास करके जाइए, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, मैंने बोला ना पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आता ही आता है ऐसे। उसके बाद मॉड्यूल 2 देखेंगे, मॉड्यूल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स फॉर पार्टिकल कोटिंग, कोटिंग के लिए जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स होती है वो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन म्यूको एडेशंस, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ बायो एडेशन, या फिर डिस्क्राइब थियरीज ऑफ म्यूको और बायो एडेशन, ठीक है। म्यूको और बायो दोनों लगभग सेम रहता है, डिफाइन म्यूको एडेशन, ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। म्यूको एडेशन और बायो एडेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो वाली थियरी कंप्लीट पढ़ के जाइए। बायो एडेशन म्यूको एडेशन से क्वेश्चन होते ही है GTU के पेपर में, ठीक है, तो वो वाली थियरी करके जाइए जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम, गिव अ डिटेल अबाउट म्यूको एडेसिव पॉलीमर्स फॉर बकल डिलीवरी, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन, डिस्कस एनी वन इनोवेशन इन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन डिटेल्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक टेबलेट विथ एग्जाम्पल। सिक्स नंबर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट माइक्रोस्पियर एंड माइक्रो इनकैप्सुलेशन, एक्सप्लेन सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड्स ऑफ माइक्रोस्पियर फॉर्मुलेशन। माइक्रोस्पियर फॉर्मुलेशन की जो मेथड्स होती हैं वो आपको पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, एनालिस्ट मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, डिस्क्राइब स्प्रे ड्राइंग स्प्रे गंजरिंग मेथड, ठीक है, ये वाली, या फिर डिस्कस अप स्प्रे ड्राइंग मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन,
जितनी भी आपकी मेथड्स हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन की, उसमें से वो आती ही आती है, एक क्वेश्चन उस पर आता ही है। और एक मोस्ट मोस्ट टाइम क्वेश्चन है डिफरेंस एट माइक्रोस्फीयर एंड माइक्रो इनकैप्सुल माइक्रो कैप्सूल्स, ठीक है, ये वाला डिफ्रेंसिएशन और एक्सप्लेन मेथड्स, ठीक है। या फिर कोई मेथड ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंटेनिंग मेथड्स या ऐसे कुछ, या फिर कोई भी एक आपको लिखने की रहेगी जो मोस्ट मोस्ट आई एम क्वेश्चन है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बकल एंड सब लिंगुअल रूट, व्हाट आर द बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर द फॉर्मुलेटिंग ट्रांसम्यूकोसल डिलीवरी। एट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट टू डिटरमाइन बायो एडेसिव स्ट्रेंथ। नाइन नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डेंटल इम्प्लांट, जो कि मोस्ट आई एम क्वेश्चन है, डेंटल इम्प्लांट्स पे आ सकता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस एलजेड टाइप ऑफ पम्प्स, जो मोस्ट मोस्ट आई एम क्वेश्चन है, एलजेड टाइप्स ऑफ पम्प्स कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आ सकता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो एडेशन। बायो एडेशन और म्यूको एडेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी, पूरी पढ़ के जाइए, पूरी थियरी पढ़ के जाइए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से। और 12 नंबर क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर, ठीक है, माइक्रोस्फीयर के पूछ सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल थ्री का पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर फॉर द ड्रग टू बी कैंडिडेट फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस, जो कि बार बार पूछा गया है जीटीयू एग्जाम में, जो आप करके जाए, जो मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू बैरियर ऑफ स्किन, ठीक है, बैरियर ऑफ स्क्रीन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी एक बार पढ़ के जाइए। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिस्क्राइब द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर TDDS, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, गिव ऑन अकाउंट ऑफ अप्रोचेस फॉर डिजाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव डोजेस पंप्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव डोजेस पंप्स मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो गैस्ट्रो रिटेंटिव डोजेस पंप करके जाइए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन अ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। सेवन क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ GRDDS, GRDDS की आपको एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, जो कि मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिए। उसके बाद एट नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम GRDDS, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ GRDDS, मोस्ट आई क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिए। उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मीटर डोज इनहेलर्स एंड ड्राई पाउडर इनहेलर्स फॉर द ड्रग डिलीवरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर एक्सप्लेन द सलाइन फीचर्स ऑफ DPI एंड MDI का एक्सप्लेन द नोट्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट्स भी पूछे जा सकते हैं उसके अलग से, यहाँ से भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा जा सकते हैं, या दोनों के ऐसे फीचर्स लिखने के भी पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन, तो दोनों थियरी करके जाइए जो आपके GTU एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ नसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ नसल स्प्रे, हाउ इट एवेल्युएटेड, ठीक है। तो ये था मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, जो कि मोस्ट मोस्ट आई क्वेश्चन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है, उसकी मेथड्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई लिपोसोम्स, व्हाई लिपोसोम्स आर कंसीडर वर्सेटाइल कैरियर फॉर पेरेंट्रल ड्रग डिलीवरी, लिपोसोम्स के क्लासिफिकेशन खास करके करके जाइए, पूछी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन नियोसोम्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिपोसोम्स एंड नियोसोम्स एंड दिस वेरियस एप्लीकेशन ऑफ नियोसोम्स और लिपोसोम्स इन फार्मास्यूटिकल्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है। डिफाइन नियोसोम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन लिपोसोम्स एंड नियोसोम्स एंड लिस्ट करना है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ नियोसोम्स की या फिर लिपोसोम्स की, ठीक है, या फिर नियोसोम्स की जगह डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं लिपोसोम्स, ठीक है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं GTU क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, तो एक बार देख के जाइए, मोस्ट मोस्ट टाइप क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद फोर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी
या फिर जस्टिफाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम। मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की पूरी थियरी पढ़ के जाइए, जिससे जिसमें से GTU के एवरी टाइम क्वेश्चन आते हैं GTU पेपर में, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है राइट अ नोट ऑन एक्टिव टारगेटिंग। सिक्स क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ लिपोसोम। इवोल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ लिपोसोम मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपका। लिपोसोम्स न्यूसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस मॉड्यूल से। डिफाइन लिपोसोम्स राइट मेथड्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग SUVs, ठीक है। फिर से लिपोसोम्स आया। व्हाट इज द टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी, डिस्क्राइब द पैसिव एंड टारगेटिंग इन डिटेल, जो कि मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन है। उसके बाद नाइन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिपोसोम्स एज अ ड्रग कैरियर, मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन है। कई बार कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग वाला, तो ये भी एक बार देख के जाइए। उसके बाद मॉड्यूल फाइव का पहला क्वेश्चन है डिस्कस चैलेंजेस ऑफ ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सजेस्ट देयर रेमेडीज, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ ओकुलर डिलीवरी एंड मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग द सेम, जो कि मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन है। आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में क्या क्या बैरियर्स रहते हैं, फिर क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, ये, और उसके मेथड कौन कौन से मेथड रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, या फिर उसको रेमेडी सजेस्ट करने, ठीक है, जो कि मोस्ट मोस्ट अहम क्वेश्चन है। एवरी टाइम एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है मॉड्यूल फाइव से। मॉड्यूल फाइव का दूसरा क्वेश्चन इज डिस्कस द मेरिट्स डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस IUDs, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव IUD। IUDs से क्वेश्चन होते हैं, IUDs पूरा थियरी एक बार अच्छे से करके जाइए। मॉड्यूल फाइव से होती है मोस्ट अहम क्वेश्चन, एवरी टाइम IUDs से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्थाल्मिक इन सीटू जेल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्युलर इनहर्ट्स, सॉरी ऑक्युलर इंसर्ट्स। उसके बाद फोर क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ऑक्यूसेट्स, ठीक है। तो ये था मॉड्यूल फाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी GTU एग्ज़ाम में हेल्प हो, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।